वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडिया की मच अवेटेड मूवी पुष्पा 2 के बारे में, जिसका ट्रेलर को लेकर लगभग ऑडियंस के अंदर जो है 2 साल से एक्साइटमेंट था। साफ साफ यहां पे ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसे हमको वेर इज पुष्पा में देखने को मिला था कि बबर सिंह शेखावत एंड पुष्पा के बीच बैटल जो है स्टार्ट हो चुकी है। इसके पूरे ट्रेलर के अंदर जब स्टार्टिंग जो है ट्रेलर पेस पकड़ता है पुष्पा, साफ साफ नजर आ रहा है ये एक कॉम्बैक सीक्वेंस होने वाला है बबर सिंह शेखावत का, और इन दोनों के बीच की जो लड़ाई सीक्वेंस है। अब जो है पूरे ट्रेलर के अंदर 2-4 ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस थे जहाँ पे बबर सिंह शेखावत जो है पुष्पा के कई सारे जो चंदन की लकड़ियाँ होती हैं उनके ट्रक्स को पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक्शन सीक्वेंसेस नदी के किनारे जो है जा रहा है और पीछे से पुलिस उनका पीछा करता जा रहा है। बीच में यहाँ पे पुष्पा भाव का एक डायलॉग भी है जहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं नेशनल नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, तो ये कहीं ना कहीं पार्ट 3 को दर्शाता है। एंड न्यूज़ ये भी है, इसका एक और ट्रेलर जो है हमको देखने को मिलने वाला है। ट्रेलर 2 रिलीज से लगभग 7-8 दिन पहले जो है मेकर्स रिलीज करेंगे, सो आई डोंट थिंक सो कि और कोई ट्रेलर आने वाला है, बट न्यूज़ तो यही है। अब देखते हैं कोई नया ट्रेलर आता है तो उसमें क्या लोग जो है रिवील होते हैं और किस तरह की कहानियों को दिखाया जाता है, क्योंकि मेकर्स ने जो स्मार्टली इसको काटा है कहीं पे भी पूरा स्टोरी यहाँ पे लीक आउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। सिर्फ फाइट बैटल बिटवीन द IPS और पुष्पा के बीच में दिखाई दे रहा है, बट स्मार्ट ट्रेलर, BGM टॉप नॉच था, और साथ में जितनी भी एक्शन सीक्वेंसेस हमको 6-7 सेकंड 8 सेकंड या 10 सेकंड के बराबर देखे हैं वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।